दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे वीडियो के अंदर। आप देख रहे हैं एसकेएन टेक्निकल न्यूज और मैं हूं आपका दोस्त संजय। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूं DJI का, ये जो मेरा ड्रीम था कि एक दिन मैं भी मेविक मिनी फ्लाई मोर कॉम्बो खरीदूं, और आपके सामने है ये DJI का फ्लाई मोर कॉम्बो। आप देख सकते हैं इसको हमने परचेज कर लिया है, और हमने फ्लाई मोर कॉम्बो लिया है। इसका कुछ अलग ही बेनिफिट है, वो हम वीडियो में बात करेंगे। देखिए इस तरह से ये इसकी ब्रांडिंग है DJI की, और कितना अच्छा लोगो है। और ये देखिए DJI मेविक मिनी एवरीडे फ्लाई कॉम, ये है फ्लाई मोर कॉम्बो। कॉम्बो पैक लेना बहुत ही जरूरी है हमारे लिए, और काफ़ी सारे यूट्यूबर ने इसको खरीद रखा है, तो हमने भी आपके लिए खरीद लिया है। तो यहाँ पर देखिए अल्ट्रा लाइट वेट है इसका 249 ग्राम, जो बहुत ही अच्छा रहेगा। आपको इसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, आपको सिर्फ DJI की जो एप्लीकेशन है DJI फ्लाई के नाम से आती है, वो हम आपको बताएंगे। तो जल्दी से इसका अनबॉक्सिंग करते हैं। पहले आप देखिए फ्लाई मोर कॉम्बो के अंदर मिलता है क्या क्या है। कैरी केस मिलता है, प्रोपेलर गार्ड मिलते हैं, ये एयरक्राफ्ट मिलता है, कंट्रोलर मिलता है, ये एक्स्ट्रा चार्जिंग हब और 3 बैटरी एक्स्ट्रा मिलती हैं। यही है फ्लाई मोर कॉम्बो पैक। तो इसके अंदर बॉक्स के अंदर क्या क्या है वो भी हम बताएंगे आपको। तो यहाँ पर देखिए क्राफ्ट है, रिमोट कंट्रोलर है, एक्स्ट्रा प्रोपेलर है, प्रोपेलर गार्ड है, बैटरीज हैं 3, एक चार्जिंग हब है, 2 USB केबल है, और एक कैरी केस है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको। और देखिए यहाँ पर आपको एप्पल स्टोर और प्ले स्टोर पर इसकी एप्लीकेशन डाउनलोड करना है DJI फ्लाई ऐप के नाम से। यहाँ पर देखिए DJI फ्लाई ऐप, इसको डाउनलोड करना है। और इसका ड्रोन का जो यहाँ पर देखिए, आप इसको यहाँ से देखिए 249 ग्राम का जो अल्ट्रा लाइट ड्रोन है वो 30 मिनट मैक्सिमम फ्लाइट टाइम है इसका। 4 किलोमीटर HD वीडियो ट्रांसमिशन है, विजन सेंसर प्लस GPS पैसिव होपर है, और ये 3 एक्सेस गिम्बल 2.7 के कैमरा है इसके अंदर। इसको सिंप्लीफाइड रिकॉर्डिंग और एडिटिंग कर सकते हैं। तो ये रहा इसका सारा, हमने दिखा दिया है। तो अब इसकी जल्दी से अनबॉक्सिंग करते हैं, इसके अंदर निकलता है क्या क्या है। तो मैंने यहाँ से इसकी सील हटा ली है। तो ये है इसका कैरी केस, बहुत ही अच्छे हार्ड कैरी केस है, इतना हल्का भी नहीं है, बहुत अच्छा। इसको आप ट्रेवलिंग के लिए बहुत अच्छा है, मुझे इसीलिए मैंने फ्लाई मोर कॉम्बो खरीदा है। तो इसको साइड में रखते हैं। इस बॉक्स के अंदर क्या है, ये एक बॉक्स एक और निकलता है, इसको भी हम साइड में रखते हैं। और इसके अंदर क्या है वो भी निकालते हैं जल्दी से। ये देखिए ये पूरा खाली डिब्बा कर दिया है। तो ये हम वापस अंदर रख देते हैं। तो इस बॉक्स के अंदर कुछ नहीं है, ये सिलिका जेल है, इसको भी वापस डाल देते हैं। और इसके अंदर क्या है देखते हैं। तो बहुत सारे ऐसे यूज़र मैनुअल, इंस्ट्रक्शन कैसे आपको उड़ाना है, और इसकी सारी डिटेल्स इन पेपर में है। तो आप इसको भी बाद में पढ़ सकते हैं आराम से खरीदने के बाद। इसकी प्राइस हम वीडियो के लास्ट में बताने वाले हैं। तो यहाँ इसकी यूज़र मैनुअल वगैरह सारे डॉक्यूमेंट हैं इसमें अंदर, इसको हम साइड में रखते हैं। इसके अंदर क्या है इस बॉक्स में भी देख लेते हैं हम। ओ भाई यार, यहाँ इसमें बैटरीज हैं, 3 बैटरीज हैं। चलिए हम इसको भी निकाल लेते हैं बाहर। बैटरी हम आपको दिखा दें, यहाँ रिचार्जेबल बैटरी है, और ये है 2400 mAh की 7.2 वोल्ट की बैटरी है, यानी 2400 mAh की बैटरी है ये। तो 3 बैटरी हैं, और एक बैटरी का जो कंपनी फ्लाई टाइम देती है वो 30 मिनट है, और एक्चुअल में 25 मिनट के समथिंग तो हमें मिल भी जाता है। तो यहाँ पर 3 बैटरीज हैं ये, इसको हम यहाँ पर रखेंगे। इसमें हो गया इसमें बैटरी। अब इसमें देखते हैं इसके अंदर क्या है, बड़ा बॉक्स है, इसको कहाँ से खोलते हैं, यहाँ से खोलेंगे इसको। निकल जा भाई, वो है इसके अंदर क्या है, कुछ नहीं। ये देखिए इसके अंदर है प्रोपेलर गार्ड,
जो फर्स्ट में अगर आप इसको फ्लाइंग कराएंगे तो बहुत जबरदस्त आपके काम आने वाले हैं ड्रोन की सेफ्टी के लिए। कोई पक्षी वगैरह या पेड़ में जा फंसेगा तो उसके लिए ये है प्रोपेलर गार्ड, इसको भी हम यहाँ रखेंगे। अब मेन जो है इसको हम खोलने वाले हैं केस को, ये हार्ड केस बहुत अच्छा है। ये रहा DJI का केस। चलिए भाई क्या है, सबसे पहले तो मैं आपको माय गॉड, ये है DJI का एयरक्राफ्ट है ड्रोन। यहाँ पर इसके गिम्बल प्रोटेक्शन लगा हुआ है और यहाँ पर इसके माइक्रो USB पोर्ट है और यहाँ पर आप मेमोरी कार्ड इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम बाद में देखते हैं। ये है चार्जिंग हब, इसके अंदर आपको बैटरीज लगानी है। ये है इसका कंट्रोलर, इसको भी हम बाद में देखेंगे। और क्या है, ये है दो USB टू माइक्रो USB केबल है टू चार्जिंग के लिए। और ये अपने फोन में रिमोट कंट्रोल मोबाइल को कंट्रोलर के साथ जोड़ने की केबल है ये। और इसके अंदर क्या है, स्क्रू है, कुछ एक्स्ट्रा प्रोपेलर है और ये स्क्रू ड्राइवर है। तो यहाँ पर इस बैग के अंदर और कुछ नहीं है, तो इसको हम करते हैं साइड में। तो इसके अंदर बैटरी कैसे लगाते हैं, तो ये देखिए ये वाले जो पॉइंट बने हुए हैं इसको आपको यहाँ पर लगाना है। तो ये देखिए ऐसे लगाते हैं तीनों बैटरी को, तो तीनों कितनी चार्ज है वो भी दिखा देगा आपको। चार LED लाइट है यहाँ पर, तो इसका मतलब है फुल चार्ज है बैटरी हमारी। यहाँ पर इसका एक बार प्रेस करेंगे तो चार्जिंग बता देगा। यहाँ पर आपको इसको चार्ज करने के लिए वो केबल लगानी है, ये वाली माइक्रो USB इसके अंदर लगाना है और इसको चार्जर के अंदर लगा देना है। तो इसमें चार्जर जो अडेप्टर है वो हमें नहीं मिला है साथ में। और यहाँ पर आप इसको पावर बैंक यूज कर सकते हैं इस पॉइंट से। तो ये हो गया हमारा बैटरीज और ये हो गया इसका कंट्रोलर। तो यहाँ पर इसको ऐसे करके हम इसके अंदर मोबाइल लगाएंगे और इसके ये जो जॉयस्टिक है यहाँ पर रहते हैं, इसको आप आराम से निकाल के इसमें लगा लें। और ये कितना चार्जर है, ये पावर बटन है, इसको हम ऑन करेंगे तो यहाँ पर LED लाइट आपको बता देगी, शो करेगी। यहाँ पर DJI की ब्रांडिंग है और ये है आपका बैक टू होम, यानी इसको प्रेस करेंगे तो जो ड्रोन हम जहाँ से उड़ाया वहीं पे आ जाएगा। और यहाँ पे है वीडियो रिकॉर्डिंग का ये वाला, और ये है फोटो क्लिक करने के लिए, और ये है गिम्बल को रोटेट करने के लिए। बाकी इसमें कुछ नहीं है। अब यहाँ से केबल लगाएंगे ये वाला, जो भी आपके फ़ोन के अंदर लगता है, सी टाइप लगता है या माइक्रो वाला लगता है, तो इसके अंदर इस केबल को लगाएंगे और यहाँ पर अपने फ़ोन को लगाएंगे। चलिए बाद में हम इसको सेटअप कर लेंगे, पहले हम ड्रोन देखते हैं। ड्रोन को आपको कैसे खोलना है, तो ये देखिए इसका प्रोपेलर है, तो ये इस तरह से खुलेगा, ये इस तरह से, और ये इस तरह से रोटेट होगा। आराम से करना है, बिल्कुल हल्का है, प्रोपेलर टूट गए तो फिर दिक्कत हो जाएगी आपको। ये हो गया अपना ड्रोन, DJI की ब्रांडिंग है। ये इसके प्रोपेलर हैं और साथ में एक्स्ट्रा भी है, काफ़ी हल्का है और एक हथेली के बराबर ये ड्रोन है। यहाँ पर इसका मेंशन किया हुआ है अल्ट्रा लाइट 249 ग्राम का है ये। और इसका गिम्बल कवर यहाँ से निकालते हैं, ये देखिए ये 3-axis गिम्बल है। ज़्यादा इसके साथ छेड़खानी नहीं करें वरना ये ख़राब हो जाएगा। तो चलिए इसके अंदर हम बैटरी लगा के देखते हैं। तो ये बैटरी हमने निकाल लिया है, अब बैटरी कैसे डालते हैं ड्रोन में, ये देखिए इसके जो ये पिन है यहाँ पर और ये इसके ऊपर पिन है, इसको हम इसे इस तरीके से लगाना है और ऐसे प्रेस करके ये वापस बंद कर देना है। और मान लो अगर आपने सिंपल ड्रोन खरीदा है और ये चार्जिंग हब नहीं है,
तो भी जो हमारा चार्जिंग केबल होती है माइक्रो यूएसबी, ये यहाँ पर लगा के हम ड्रोन को डायरेक्टली चार्ज कर सकते हैं इस वाले से। और मेमोरी कार्ड भी यहाँ पर इंसर्ट करते हैं। यहाँ पर माइक्रो एसडी कार्ड के लिए पोर्ट दिया है। बैटरी डालने के बाद आपको यहाँ से प्रेस करेंगे तो बैटरी आपको शो करेगा कितना चार्ज है। इसकी प्राइस मैं आपको बता दूं कि मैंने इसको ऑफलाइन मार्केट से खरीदा है, 62,000 का हमें ऑफलाइन मार्केट में मिला है। और यहाँ पर जो इसके गार्ड है प्रोपेलर गार्ड, वो आपको इस तरह से लगाना है। ये देखिए, ये इसके अंदर कमर आ जाएंगे, ये ऐसे आराम से लगाना है, जल्दबाजी में टूट गया नहीं जाए कहीं पर। तो भाई इसके अंदर ऐसे डालना है और इसके अंदर ऐसे डाल के जो नीचे लॉक है वो हटा देंगे हैं, तो फिर आपका ड्रोन है एकदम अलग से लगेगा। इसका थोड़ा सा फ्लाई टाइम कम हो जाएगा क्योंकि इसमें थोड़ा वेट है, तो शायद 20 मिनट तक आपको फ्लाई टाइम मिले। Till I get up, time is barely on our side.